साथियों, आयुर्वेद को लेकर वैश्विक सहमति सहजता और स्वीकार्यता आने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि आधुनिक विज्ञान में आधार एविडेंस को प्रमाण को माना जाता है। हमारे पास आयुर्वेद का परिणाम भी था, प्रभाव भी था, लेकिन प्रमाण के मामले में हम पीछे छूट रहे थे। और इसलिए आज हमें डेटा बेस एविडेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए हमें लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा। हमारा जो मेडिकल डेटा है, जो शोध है, जो जर्नल्स है, हमें उन सबको एक साथ लाकर आधुनिक वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर हर क्लेम को वेरीफाई करके दिखाना है। भारत में बीते वर्षों में इस दिशा में लार्ज स्केल पर काम हुआ है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा के लिए हमने एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पर अब तक के करीब 40,000 रिसर्च स्टडीज का डेटा मौजूद है। कोरोना काल के दौरान भी हमारे यहां आयुष से जुड़ी करीब 150 स्पेसिफिक रिसर्च स्टडीज हुई है। उस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। भारत में यहां एम्स में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन जैसे संस्थानों ने भी योग और आयुर्वेद से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रिसर्च हो रही है। मुझे खुशी है कि यहां से निकले आयुर्वेद और योग से जुड़े रिसर्च पेपर्स प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं। हाल फिलहाल में जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी जर्नल जैसे सम्मानित जर्नल्स में कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। मैं चाहूंगा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के सभी प्रतिभागी, सारे देश भी आयुर्वेद को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भारत के साथ आए, कोलैबोरेट करें और कंट्रीब्यूट करें।